नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। क्षत्रिय राजपूत समाज की इकाई करणी सेना ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से आरक्षण को जातिगत आधार पर न देते हुए आर्थिक आधार पर देने की मांग कर रही करणी सेना ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजपूत करणी सेना द्वारा शुक्रवार को राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि मध्य प्रदेश के सांसद और विधायकों द्वारा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए ज्ञापन दिया है, लेकिन आरक्षण जातिगत आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो करणी सेना पूरे देश और प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी और साथ ही चुनाव में आरक्षण समर्थक जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही करणी सेना ने मांग की है कि राजस्थान में हुए अनंतपाल सिंह एनकाउंटर में समाज के 24 लोगों पर दर्ज झूठे आपराधिक प्रकरण वापस ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, आज के समय में मुख्यमंत्री 3-4 हैं जिनमें प्रमुख मुद्दे हैं आरक्षण जो जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर, और जिसे एक बार आरक्षण मिल गया है चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे दोबारा आरक्षण ना मिले। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब्सिडी के समय पे, गैस सब्सिडी समय के पर वो आह्वान करा था देश से कि जो भी सक्षम है वो सब्सिडी का त्याग करे। तो इसी तरह से जब तक जिन्हें जो सक्षम है वो आरक्षण का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा, और ऐसे ही लोग राजनीति करते हैं। हमारे जो दलित भाई हैं उन तक भी आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज 72 साल हो गए हैं आरक्षण को, 72 साल में आरक्षण उन तक पहुंच ही नहीं पाया है। जिन लोगों को मिल रहा है खाली नेता, अधिकारी और उनके परिवार को ही मिल रहा है, बाकी आज दिन तक उन तक आरक्षण पहुंच ही नहीं पाया। तो आरक्षण के 9वीं अनुसूची में शामिल होने को लेकर के क्या विरोध है आपका? देखिए, 9वीं सूची में लेकर एक तो जिन भी विधायक सांसद ये सब जनप्रतिनिधि है, इन्होंने क्या परेशानी होगी? इससे ये होगा कि ये 9वीं सूची में जाने के बाद में फिर जैसे अभी कोर्ट में कोई भी अपील कर सकते हैं, उसके बाद में राज्य सरकारें अपने मन मानने हिसाब से अपना अपने फायदे को देखते हुए उस हिसाब से आरक्षण को घटा बढ़ा सकती है और उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकेगा। करनी सेना क्या करेगी इसमें? 9वीं सूची में अगर जो डाला जाता है तो हम चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम हर उस पार्टी का, हर उस जनप्रतिनिधि का विरोध करेंगे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा? हम उग्र विरोध भी करेंगे ये, क्योंकि ये तो अब ये इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए अब तो जीने मरने वाली ही बात आ जाएगी हमारे ऊपर। सड़क पे उतरेगी हर पूरे देश में, हम घोर विरोध करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।